Hello friends, my name is Suhail. Welcome to the very first tutorial of National Instruments LabVIEW. LabVIEW एक programming platform है जहाँ पे आप programming कर सकते हैं, अपने ideas design कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे जो programming होगी वो graphically होगी. It means कि अगर आप किसी और platform में programming करेंगे like C, PHP तो आपको वहाँ पे codes लिखने पड़ेंगे. लेकिन LabVIEW में आपको कोड्स नहीं लिखने होंगे, यहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग ग्राफिकली करनी होगी. ठीक, तो आप इस LabVIEW में आप अपने आइडियाज़ डिज़ाइन कर सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं. अगर आपके दिमाग में कोई भी आइडिया है तो आप वो आइडिया इंप्लीमेंट यहाँ पे कर सकते हैं. ठीक, तो उसके लिए हमें चाहिए LabVIEW का सॉफ्टवेयर. LabVIEW का सॉफ्टवेयर कहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप गूगल में सर्च कीजिए LabVIEW डाउनलोड. आप पहली लिंक पे आप क्लिक कीजिए. ठीक, तो यहाँ पे स्टार्ट फ्री ट्रायल. यहाँ पे दो ऑप्शंस है, न्यू यूजर्स एंड एग्जिस्टिंग यूजर्स. तो आप न्यू यूजर्स पे आके यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी फिल कर सकते हैं. यहाँ पे टीच इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद LabVIEW डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक, अभी मैंने ये ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो जब ये exe फाइल आपके लैपटॉप में डाउनलोड होगी उसके बाद आप इंस्टॉल करेंगे. इंस्टॉल करने के बाद आपके लैपटॉप में LabVIEW का कुछ इस तरीके से आइकन आएगा, इस तरीके का. ठीक, आप इसे ओपन करेंगे. ओके, तो ओपन करने के बाद आपके कंप्यूटर पे LabVIEW की ऐसी एक विंडो आएगी. ठीक, LabVIEW में LabVIEW का जो एक्सटेंशन है, जो प्रोग्रामिंग का एक्सटेंशन है वो .vi करके है, .vi. अगर आप सपोज आप सी में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आप वहाँ पे कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो उसका एक्सटेंशन .c होगा. इसी तरीके से LabVIEW का एक्सटेंशन .vi होगा. तो प्रोग्राम बनाने के लिए हमें एक vi फाइल, सॉरी एक vi फाइल बनानी होगी. इट मींस कि हमें एक नया vi ओपन करना है. तो नया vi ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस एन आप करेंगे. कंट्रोल प्लस एन करने के बाद आपके कंप्यूटर पे इस तरीके के दो विंडोज आएंगे. ठीक, इनको अलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस टी आप करेंगे. तो आप देख सकते हैं जो विंडोज दो हो वो अलाइन हो गए हैं, एक लेफ्ट साइड से एक राइट साइड से. ठीक, जो आप लेफ्ट साइड से देख रहे हैं इसको कहते हैं फ्रंट पैनल. ये फ्रंट पैनल यूज़र के लिए होता है कि आप यूज़र को किस तरीके से इंटरफेस कराना चाहते हैं. ठीक, और ब्लॉक डायग्राम. ब्लॉक डायग्राम में प्रोग्रामिंग का सोर्स कोड होगा, लेकिन वो सोर्स कोड ग्राफिकली होगा. वो कोई जैसे आप लिखते हैं बाकी लैंग्वेज में प्रोग्राम, वो उस तरीके का सोर्स कोड नहीं होगा, वो ग्राफिकली होगा. ठीक, तो जो आप प्रोग्राम बनाएंगे वो आप उसका सोर्स कोड जो है ब्लॉक डायग्राम में होगा, और यूज़र के लिए जो यूज़र इंटरफेसिंग के लिए जो आप विंडो होगी वो फ्रंट पैनल में होगी, कि आप यूज़र को किस तरीके से कंट्रोल्स दे सकते हैं उसको, जो आप पर्टिकुलर किसी एप्लीकेशन के लिए बना रहे हो सॉफ्टवेयर, तो आप किस तरीके से यूज़र को उस एप्लीकेशन को इंटरफेस करा रहे हैं. ठीक, तो ये था बेसिक LabVIEW का, कि आप LabVIEW कैसे ओपन कर सकते हैं और कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं. अब हम प्रोग्रामिंग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक, और जो ये सॉफ्टवेयर है LabVIEW का, इसका क्रैक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी, वहाँ से एक सॉफ्टवेयर होगा वो आप इंस्टॉल करेंगे, उससे आप क्रैक कर सकते हैं ये सॉफ्टवेयर. अगर आप आपको क्रैक करने में कोई या एक्टिवेट करने में कोई प्रॉब्लम आएंगी तो आप कमेंट कीजिएगा, तो पूरी हेल्प मिलेगी आपको. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग. Please like the video and share, subscribe. Thank you.